हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय लेक्चर फोर्टीन एम डॉक्टर व श्रीवास्तव फ्रॉम एस आर एम सी एम लखनऊ इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द एसी ब्रिजेस तो इन एसी ब्रिजेस वी हैव अ सम एरर एट द टाइम ऑफ द मेजरमेंट तो वी रिक्वायर्ड रिक्वाड अम विथ टाइप ऑफ एरर एरर इज द डू टू द कैपेसिट तो स्टे कैपेसिटीज क्रिएट द एर इन द मेजरमेंट ऑफ द एसी ब्रिजिस सो That uh, error will be reduced with the help of the earthing device. So, here we discuss the today's lecture earthing device and uh, quality meter, Q factor, storage factor. So, today we discuss these two topics. In earthing device, we prefer the, the famous uh, device known as the Wagner earthing device and uh, quality meter. Uh, what is quality meter? What are the functions? What are the applications and advantages? Today we discuss in this lecture. वेरी इन डिटेल यू हैव सीन एंड डिस्कस आई हैव डिस्कस बिफोर की वैगना अर्थिंग डिवाइस देखिए अर्थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनी डिवाइस अपने घर में भी अर्थिंग लगाते हैं हम जो कोई पैनल लगाते हैं उसमें भी अर्थिंग लगाते हैं तो सेम थिंग इज द ब्रिजेस जब हम ब्रिज में मेजरमेंट करते हैं तो जो स्टे कैपेसेंस होता है Uh, वो उसकी वजह से हमारा जो ब्रिज होता है उसका जो uh, उसमें एरर आ जाती है जो हमारी बैलेंस कंडीशन होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है तो उसको वी हैव प्रोड्यूज विद द हेल्प ऑफ द लीकेज करंट तो उसको हम रिमूव uh, करने के लिए भी हम क्या करते हैं उसमें हम इम्प्रूवमेंट uh, करते हैं जिससे कि हमारे उसमें अर्थिंग प्रॉब्लम ना हो और हमारी रीडिंग प्रॉपर हो तो आप जैसे यहाँ देख रहे हैं वी कैन क्रिएट फॉर्मेशन उससे स्टे कैपेसिटर ये जो हमारे हैं देखिए ये ब्रिज है ब्रिज सर्किट है ये फोर आर्म्स हैं दैट इज योर पावर सप्लाई है तो आप देख रहे हैं हर उस पर वी आर कंसिडर द एक स्टे कैपेसिटस तो सिंपल एसी ब्रिज सर्किट फॉर्मेशन ऑफ स्टे कैपेसिटर इन द एसी ब्रिज सर्किट एसी ब्रिज सर्किट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि वी आर यूजिंग द कैपेसिट इन आल्सो तो स्कैन लीक आउट हाउ वि डायरेक्टली कनेक्टिंग द नल डिटेक्टर टू द ग्राउंड इज नॉट हमने यहाँ पे क्या किया है जो हमारा नल डिटेक्टर था इसको अपने डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया लेकिन ये हमारा परमानेंट सोल्यूशन uh, नहीं है इससे हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे वी कैन रिड्यूस इट विद द हेल्प ऑफ द अर्थिंग ऑफ द डिटेक्टर लेकिन हम पूरी तरह से उसे रिमूव नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं वी आर यूजिंग द वैगनर ग्राउंड या वैगनर अर्थ सर्किट तो एक उसको कुछ नहीं करते हैं अभी आगे सर्किट बताएंगे वी कैन क्रिएट अ वोल्टेज डिवाइड सर्किट इन रिस्पेक्ट टू द ब्रिज सर्किट उससे क्या होता है कि हमारी जो अर्थिंग की जो प्रॉब्लम होती है हमारे स्टेट कैपेसिटेंस की उसको हम रिमूव करते हैं आप देखेंगे पहले सर्किट समझा देते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं ये देखिए दिस इज टोटली हमारा ब्रिज सर्किट इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया है ये हमने क्या किया है हमने एक वोल्टेज डिवाइड सर्किट बना दिया है तो देयर इज दर इज अ स्विच हमने क्या किया स्विच लिया वोल्टेज डिवाइडर वोल्टेज डिवाइडर देर आज टू एडिशनल ऑक्सडरी जेड राम हमने दो ऑक्सडरी क्या किया है एक आम सगा देट इज द जेड एंड दिस इज योर जेड बी और हमने जंक्शन पॉइंट क्या बना दिया दैट इज योर हमारा अर्थ जो अर्थ का वहाँ पे हमने आपने देखा था अलग अलग इसके पहले बनाया था कैपसीडेंस हर उस पर यहाँ पे हमने इसमें एक साइड कंबाइन कर दिया तो होता क्या देखिए जेड बैलेंस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है जो थी वही है जेड वन जेड टू और जेड थ्री जो स्टे कैपेसिटेंस है सी वन सी टू सी थ्री सी फोर इसके पहले वाला सर्किट दिखाएंगे यहाँ पे भी देखिए आप ये हमने लगाया था दिस दीज आर द कैपेसिटर्स इसको हम क्या कर रहे हैं वैगनर ब्रिज में रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो जो अथिंग पाइडर सोन सी वन सी टू एंड सी थ्री तो जब वेन ब्रिज इज कन्फ्रिगेशन बिकम अ बैलेंस जब हमारा ब्रिज बैलेंस कंडीशन होता है एट दिस वाइम पोटेंशियल एट द बी डी ई वेर इज बी दिस इज बी दिस इज डी दिस इज इ तो ये हमारा क्या होता है सेम और अर्थ अर्थ पोटेंशियल तो यहाँ पे क्या होता है जो तो हमारा जो कंडीशन होती है वो सेम हो जाती है तो एंड द कैपेसिटर सी वन वाई एलिमिनेटेड तो जब ये हम इसको ये एक बार में नहीं होता है वी कैन कंसिडर टू और थ्री टाइम्स हम इसको सिफ्ट करते हैं कैसे so, स्विच को पहले हम डी से कनेक्ट करते हैं जब ये स्विच हमारा डी पे कनेक्ट होता है तो ये हमारा जब हमारा स्विच ई e से कनेक्ट होता है तो कहाँ पे जा रहा है इस सर्किट पे जाता है तो इस तरह से हम क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एलिमेट uh, करते हैं जो हमारे स्टे कैप्सीडेंट्स हैं सी वन सी टू सी थ्री सी फोर द अलॉन्ग विद द एम्पिडेंस ऑफ जेड तो फिर बाद में जो हमारे कई बार जब रीडिंग लेते हैं तो जो उसमें हेमिंग होती है वो हमारी क्या हो जाती है रीडिंग हम एरर हमारी रिड्यूस हो जाती है और उससे क्या होता है कि हमारी जो डिडेक्टर है ये प्रॉपर विदाउट एरर यहाँ पे नो no एरर हो जा हो जाती है ये रीडिंग हम कई बार रिपीट करते हैं जैसे डी पी कनेक्ट करते हैं फिर हम रीडिंग चेक करते हैं हम कर, 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 फिर हम ई पे करते हैं फिर रीडिंग चेक करते हैं तो जब हमारी जो बैलेंस कंडीशन आती है तो सी वन सी थ्री सी टू स्टे कैपिस्टेंट एलॉन्ग विद जेड ए और जेड बी हमारा क्या हो जाता है एलिमिनेट होता है और वी विल गेट द एररलेस रीडिंग तो ये हमारा है वैगन अर्थिंग डिवाइस हम यूज करते हैं फॉर द एरर फ्री मेजरमेंट ऑफ दिन द ए सी ब्रिजिस ना मूविंग टू द सेकेंड मीटर दैट इज नोन एज क्वालिटी मीटर क्वालिटी मीटर इज ऑल्सो नोन एज आर एल सी मीटर और कहीं कभी अब देखेंगे आप तो एल मीटर या एल ब्रिज भी कहते हैं इसे तो ये हमारा आ, बहुत जहाँ देखिए जहाँ पे कैपेसिटेंस आएगा वहाँ पे हमारा क्वालिटी मीटर जरूरत है और समटाइम्स वे नोज स्टोरेज मीटर आल्सो आगे डिस्कस करेंगे स्टोरेज मीटर क्यों कहते हैं तो आप देख रहे हैं क्वाल्टी मीटर विच वॉज डेवल नाइनटीन थर्टी फोर विलियम डी लॉन्न ने इसको आ, किया था डेवलप किया था वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज़ यूज फॉर द मेजर ऑफ क्वालिटी फैक्टर ऑफ कॉल एंड द रजिस्टेंस कैपिस इंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी ये हमारा इसका पैरामीटर्स हैं कि हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं दिस इज यूज टू मेजर द क्वालिटी ऑफ क्वालिटी फैक्टर ऑफ कॉल्स विच कॉयल्स इंडक्टेंट कॉल्स रजिस्टेंस कैपेसिटेंस एंड जो रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक सर्किट वहाँ पर भी हम क्वालिटी फैक्टर को मेजर करते हैं तो क्वालिटी फैक्टर एक्चुअल में कुछ नहीं क्वालिटी फैक्टर इज द रेशो ऑफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस टू द इफेक्टिव रजिस्टेंस ऑफ द्वालिटी फैक्टर इज द रेशो ऑफ इंडक्टिव रजिस्टेंस द इफेक्टिव रजिस्टेंस ऑफ द पे दे रहे हैं क्यू इज क्वालिटी फैक्टर और और इज इज योर योर इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द तो इनका जो रेशियो होता है उससे हम क्या करते हैं क्वालिटी फैक्टर इसी तरह हम कैपेसिटेंस में भी करते हैं इसी तरह हम पावर में भी करते हैं सो दिस डिफाइंस द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द क्वाल एंड मैंने कहा था नोन एज स्टोरेज फैक्टर जब हम स्टोरेज फैक्टर से लेते हैं तो विच आर स्टोरिंग एनर्जी लाइक ए इंडक्टर इन इंडक्टर वी हैव यूजिंग एजोरेज कैपिटर एज दॉन्ग स्टोरेज एनर्जी लग गया इंडक्टर और कैपेसिटर सो द फॉर दज फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द जब एट द टाइम दैन वी कंसिडर एज द स्टोरेज फैक्टर तो वी कैन कंसिडर एज द क्यूज इ पावर डेसीब्रेट अपॉन पावर इज स्टोर इन द एलिमेंट तो इस तरह से हम निकालते हैं और वी कैन कंसीडर अगर हम उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी में लेते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा ज़ीरो एल और क्यू इज इक्वल टू ओमेगा ज़ीरो एल आर तो इस तरह से हम क्वालिटी फैक्टर को मेजर करते हैं अब कि हम वी कैन यूजर मेजर द स्टोर पावर फैक्टर क्वालिटी फैक्टर ऑफ़ इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ फैक्टिव रेजिस्टेंस इन रेडियो फ्रिक्वेंसी फॉर्म में हमने देखा क्वालिटी फैक्टर कैसे मेजर करते हैं हमने कॉयल में कैसे मेजर करते हैं तो हम करते हैं स्टोरेज फैक्टर जो हमारा कैसे कॉयल में परफॉर्म करता है इस्टेड ऑफ मेजरिंग रेजिटेंट डायरेक्टली वी विल मेजर द रेजिटेंट डायरेक्टली हम इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं आपने देखा क्यूजिकल टू मेगा एल ये होता है अगर हमें इससे मेजर वी नो द क्वालिटी फैक्टर और हमारे पास वैकेंसी मालूम है तो वी कैन मेदर द रजिस्टर तो ये यहाँ पर बता रहे हैं हम आर इज इकल टू ओमेगा जीरो एल क्यू तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वालिटी मीटर का नेक्स्ट मूव द अब कैसे एक काम करता है जो अगर हम बिफोर गोइंग टू दिस सर्किट वी कैन डिस्कस इन जनरल फॉर्म जो हमारा आर मीटर होता है वो रेजोनेंट सर्किट पे काम करता है लिखा भी मैंने है तो रेजोनेंट सर्किट में पूरा काम करता है यहाँ पे वी कैन कंसिडर अगर हमें मेजरमेंट करना है वी हैव यूजिंग द पावर सप्लाई दिस इज द कैपेसिटर एंड दिस इज द आर सर्किट जहाँ पे हमें मेजरमेंट करना है तो जो हमारा सर्किट है वेर इज कंसीडर ई एंड ई वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्ट ई एल जो वोल्टेज है वो हमारे किसके थ्रू है इंडक्टेंस के है और जो कैपेसिटेंस के थ्रू है उस वोल्टेज को कहते हैं ई तो जब करंट फ्लोइंग इन द सर्किट जो हमारी करंट इस पूरे क्लोज सर्किट में फ्लो करती है और दैट इज़ नोन एज आई ज़ीरो नोटेशंस यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट और समटाइम यू कैन डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट बुक्स नोटेशंस आर डिफरेंट तो अब क्या होता क्या है इफ़ एड रेजोनेंट एंड फ्रिक्वेंसी द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस आर सेम जब हमारी रेजोनेंस कंडीशन होती है उस समय हमारा जो इंडक्टन रिएक्टेंस होता है और जो कैपेसिटेंस रिएक्टेंस होता है वो दोनों सेम होते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं दैट इज़ योर हमारा इंडक्टिव कैपेशन और ये हमारा इंडक्ट ये सेम है अब हमें पता है कि एक्स जो हमारा होता है इंडक्टिव कैपेशन वन अपॉइंट टू सी और एक्सएल एस टू पाई एफ जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वी विल गेट जो हमारी इक्वेशन आती है दैट इज योर एफ जीरो जीरो वन अपॉन टू पाई एल तो इससे क्या होता है तो हम कैलकुलेट करते हैं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी तो रेजोनेंट सर्किट के थ्रू हम क्वाल्टी मीटर को आ, इसका जो प्रिंसिपल है वो चलता है यहाँ बस ये चीज़ याद रखनी है कि ई एल जो हमारे यहाँ पे है और जो ई सी है इस समय जो हमारे इंडक्टिव रिएक्टेंस और जो फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी होती है ये दोनों सेम होनी चाहिए दिस इज़ द मेन कंडीशन फॉर द रेजोनेंट सर्किट जब हम आर सी मीटर बनाते हैं तो इसमें इसी कंडीशन को लेते हुए आगे काम करते हैं अब इसका फेजर डायग्राम डिस्कस करते हैं फेजर डायग्राम Uh, क्योंकि वी आर यूजिंग द ए हम ए में ही यूज़ किए ध्यान दीजिएगा क्वालिटी फैक्टर हम डीसी ब्रिज में नहीं निकालते हैं हम एसी में ही निकालते हैं जहाँ पे हम एसी सप्लाई यूज़ कर रहे हैं वहीं पे हम क्वालिटी फैक्टर को कंसीडर करते हैं इसीलिए हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम वहाँ पे हमारा एसी हम यूज़ करते हैं तो एसी के समय आपका ये होता है तो वी कैन चेंज द फेस टैग इसलिए हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं फेस टैग्राम तो यहां फेजर में आप देखे सेम सर्किट है जो उसको करेंगे. The, आपका जो रजिस्टर लगा हुआ है दिस इज इसके अक्रॉस हमारा क्या होता है वोल्टेज तो ड्रॉप जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो हमारा क्या होगा सोर्स वोल्टेज एंड सेम जो सोर्स वोल्टेज है सोर्स वोल्टेज दैट इज योर सप्लाई तो सप्लाई है वो हमारी क्या होती है सेम फेज में होती है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एंड इंडक्टर वोल्टेज विद लीडिंग इन करंट द 90 डिग्री ये हमारा क्या हो जाता है ये 90 डिग्री लैगिंग हो जाती है कैपेसिटर वोल्टेज लैग द करंट बाय 90 डिग्री तो आप इन इस कंडीशन में क्या होगा ये फेजर कंडीशन है तो वहाँ पे हमारा क्या होता है वी कैन कंसिडर इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज एंड करंट रेजरेंट विल बी आई जीरो ई बाई आर आई जीरो ई बाई आर द रेशियो ऑफ द आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है इसके पहले सर्किट में देखेंगे सर्किट वही कंसिडेशन करना है सिर्फ फेजर डायग्राम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ठीक है तो विच आर कंप्यूटर आई जीरो एक्सी एंड आई दैट इज योर कैपेसिटेंट पार्ट दिस इज योर रजिस्टेंस पार्ट विच इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर जो हमारा आर लगा है वो ई सी बाई ई ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है तो यहाँ पे क्या होता है वी कैन कंसिडर आई जीरो हम पुट करते हैं ई सी ओर ई की और जो हमारा फिर देखिए अच्छा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इज द सेम एक्सी इज इकल टू एक्सल यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं और इस तरह से हम अपना वैल्यू निकालते हैं जो हमारी वैल्यूज आती हैं आपकी एक्सेल की तो इस तरह से हम मेजरमेंट करते हैं फेज डायग्राम और लास्ट में वही चीज़ मिलती है जो हमने इसी बीच में भी बताया था वी कैन कंसिडर सेम फेस जो हमारा लास्ट में वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको कंसिडर करते हैं अब फिर आगे भी इसमें डिस्कस क्योंकि हम सर्किट ले रहे हैं रेजोरेंट कंडीशन इसको नहीं भूलना जब भी हम क्वालिटी मीटर को कोई भी डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे मेरा मेन पैरामीटर तो, और रेजोरेंट फ्रिक्वेंसी और रेजोरेंट सर्किट में सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा एक्सी होता है और एक्सेल होता है वो दोनों इंडक्टिव कैपिसोर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का जो हमारा फ्रिक्वेंसीज होती है जो वैल्यूज होती है वो सेम होती है तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो फिर वी कैन कंसिडर द ई सी बाई वेल अभी आप देख चुके हैं तो फिर क्वालिटी फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा ओमेगा जीरो एल आर ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन द केस ऑफ द फ्रीक्वेंसी तो जब बहुत ही आर सेम क्यू इज इक्वल टू ई या ई सी इज इक्वल टू क्यू ई तो एज द ई वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विच इज आवर आउटपुट वोल्टेज इज ई जीरो इज इक्वल टू क्यू तो इससे हम ये कर क्यों रहे हैं ये कर इसलिए हैं कि आप इस क्वेश्चन से देख सकते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है विल बी क्यू टाइम्स द इनपुट वोल्टेज हमने जितना भी ये कैलकुलेशन किया है उसके पीछे पर्पज हमारा यही है कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो क्यू टाइम्स ऑफ द इनपुट वोल्टेज हम डायरेक्ट भी मेजर कर सकते हैं इफ़ यू कीप द वोल्टेज कॉन्स्टेंट अगर हमारी वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं है उसमें अगर आपने 220 रखा है तो 220 ही होनी चाहिए जबकि आपको मालूम है कि ए वोल्टेज दे हैव अ सम फ्लक्चुएशन तो इसमें बस कंडीशन यही है कि यू हैव अ वोल्टेज कॉन्स्टेंट जब हमारी वोल्टेज कॉन्सटेंट होती है वी कैन रीड द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज क्वालिटी फैक्टर डायरेक्टली जो हमने इतना कैलकुलेशन किया है अगर हमारी वोल्टेज कांस्टेंट होगी तो हम अपने क्वालिटी फैक्टर को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं कहाँ से फ्रॉम द आउटपुट वोल्टेज और इफ़ यू रीड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर फॉर कनेक्टिंग वोल्ट मीटर जो कैपेसिटर लगाया था सर्किट में अगर उसके हम डायरेक्ट एक वोल्ट मीटर लगा देंगे तो वी विल गेट द डायरेक्ट वोल्ट मीटर तो उससे भी हम क्वालिटी फैक्टर निकाल सकते हैं बट कंसीडर यही कंसीडरेशन यही है कि किफ द इनपुट कॉन्स्टेंट इट विल बी द गिव एज द आउटपुट वोल्टेज विच विल बी इक्वल टू द क्वालिटी फैक्टर अगर हमारी वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं होगी तो हम डायरेक्टली क्वालिटी फैक्टर नहीं निकाल सकते वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द सर्किट्स तो दिस इज ये हमारा जो है ये क्वालिटी तो जो हमारा यहाँ पे है, इट विल बी गिव्स द आउटपुट वोल्टेज विच विल भी इक्वल टू द क्वालिटी फैक्टर वी कैन मेजर डायरेक्ट क्वालिटी फैक्टर तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है वहाँ पे हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं बट प्रिंसिपल हमारा एसी पे काम करता है वी कैन कंसीडर एज अ रेजोर सर्किट तो ये आपको कैलकुलेशन दिखाया है क्वालिटी मीटर का यू कैन मेजर डायरेक्टली क्वालिटी मीटर जो होता है उससे आप डायरेक्ट भी मेजर कर सकते हैं जो भी वैल्यू हमें आर चाहिए एल चाहिए या जैसे भी निकाल होता है अब कंस्ट्रक्शन इसके पहले आपने देखा था वी कैन कंसीडर जस्ट दिस सर्किट आर एल सर्किट यहाँ पर फिर लिया था और कैपेसिटेंस लिया था और यह सप्लाई लिया था हमने अब वी कैन कंसीडर जब हमने यहाँ पे बना रहे हैं तो वी एलसी मीटर में कोयल हमने ली क्वालिटी फैक्टर जिसका हमें मेजरमेंट करना है उसको हमने कहाँ के बीच में लगाया है दो टर्म टी वन एंड टी टू इलेक्ट्रॉनिक वोल्ड मीटर इज़ कनेक्टेड ये जो हमारा क्या है ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ड मीटर है हमें वैल्यू इसकी निकालनी है प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे वो वैल्यू उसकी निकालनी है जो हमने लगा रखा अरे मेजरमेंट करना है उसको में, टी वन टी टू के बीच में हमने कनेक्ट कर दिया तो इसके बीच में वेरिएबल कैपेसिटर भी लगाया है क्यों क्योंकि वो जो ड्रॉप होता है उसको क्या करेगा ये कंसिडर करेगा विच विल मेजर द वोल्टेज ड्रॉप डायरेक्ट करेगा सो द प्रिंसिपल इज सेंग दैट वी विल सीरीज कर एश्योरेंस इसके बाद इतना डिस्कस कर चुके हैं जो हमने कनेक्शन लगाया था सीरीज में तो हमारा इज इक्वल टू एक्सेल के बराबर था तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं एंड इन द सर्किट वी आर मेजरिंग द आउटपुट वोल्टेज हमें क्या चाहिए यहाँ पे आउट ड्यू टू रेजिस्टेंस रजिस्टेंस रेजिस्टेंस का है यह है ईम एफ विल बी इंड्यूस्ड इन द सर्किट विच विल बी मेजर थ्रू द थर्मोकपल टी वन टी टू इज द थर्मोकपल थ्री थ्री फोर इज थर्मोकपल तो वट इज थर्मोकपल हम अभी यहाँ पर इतना समझ लीजिए आगे पूरा डिस्कस करेंगे कि ये हमारा अभी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है विल कॉज द करेंट The flow in the circuit and the due to the, that current at the radio frequency, the series resonant circuit will be resonated and we will have x is equal to. क्वालिटी फैक्टर हम क्वालिटी फैक्टर कैपिसडेंस का भी निकालते हैं हम उस क्वालिटी मीटर के द्वारा तो हम रेडियो फ्रिक्वेंसी भी मेजर करते हैं इंडक्टेंस भी मेजर करते हैं कैपेसिटेंस भी मेजर करते हैं तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो आपको कुछ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वी कैन डिस्कस द रेडियो फ्रिक्वेंसी तो जब एट द टाइम ऑफ द रेडियो फ्रिक्वेंसी द सीरीज रेजोनेट सर्किट विल बी रेजोनेटेड एंड ये कोई भी कंडीशन होगी कुछ भी आप मेजरमेंट करेंगे एक्स इज इक्वल टू एक्सेल अब क्योंकि फ्रीकवेंसी मेजरमेंट है नाउ द एडजस्ट द फ्रिक्वेंसी टू दिस वेरिएबल रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसलेटर यह क्या लगा हुआ है रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑन लगा द फ्रिक्वेंसी इज एडजेड सो दैट वी आर गेटिंग द अब कंडीशन विल बी ईजी रूजीगल टू क्यू इसके पहले भी हमने यही डिस्कस किया था बट वहाँ पे हमारा क्या था कॉल्टीमेटर यहाँ पे हम क्या करें विद द हेल्प ऑफ कॉल्टीमीटर वी मेजर द रेडियो फ्रिक्वेंसी तो यहाँ पर बस इतना ही डिफ्रेंस है इस तरह से हम कॉल्टीमीटर को बनाते हैं कंस्ट्रक्शन में वी आर यूजिंग ऑसलेटर शन रजिस्टेंस थर्मोल मोडमीटर इलेक्ट्रॉनिक मोडमीटर वेरिएबल आपका कैपेसिटेंस है ये हमारा अल्सर ये हम जो एक लगाते हैं अलग सेटर दिट इज इज ड्यू टू द वोल्टेज ड्रॉप ऑफ द कैपेसिटर विच मेजर जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा कैपेसिटर का उसको ये मेजर करने के लिए हम एक कैपेसिटर लगाते हैं तो ये हमारा क्या है क्वालिटी मीटर का जनरल कंस्ट्रक्शन होता है बट यू हैव सीन अ सिंपल बॉक्स यू हैव अ टर्मिनल्स एंड यू कैन मेजर डायरेक्टली और इसमें मेजरमेंट कैसे करते हैं सर्किट इसके पहले दिखाया था आपको तो फर्स्ट भी एडजस्ट द आर ए फेटर जो हमारा पहला पॉइंट है उसी से हम सेटिंग करते हैं जो भी डिजायर फ्रिक्वेंसी चाहिए वो चाहिए फिर ट्यूनिंग द कैपेसिटर एडजस्ट गेट मैक्मम वोल्टज द आउटपुट जो हमने डी कैपिसटर लगाता है उससे हम क्या करते हैं सेटिंग करते हैं क्यों जिससे वी विल गेट द मैक्सम वोल्टेज एट द आउटपुट आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर से अंडर द रेजोनल कंडीशन ये आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और बता भी चुके हैं कि जब रेजोनल कंडीशन होती है तो ई जीरोल्ट टू क्यू ई ये रह गए फिक्स फिर है क्या द वर्ल्ड मीटर एक प्रॉस कैपेसर इज कैल टू रीड वर्ल्ड ऑफ क्वाल्टी फैक्टर डायरेक्टली आपसे कहा था अगर हम डायरेक्ट मेजर करना चाहते हैं तो जो हमारी जो वोल्ट मीटर है उसकी कैपेसर कैलोलेट और रीड हम जो हमने इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है उससे हम डायरेक्ट क्वाल्टी फैक्टर की वैल्यू मेजर कर सकते हैं इसको अभी हम अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया किस तरह से हम डायरेक्ट मेजर करते हैं हमारी वोल्टेज कौन होगी कंडीशन याद रखिए कंडीशन अगर गड़बड़ाएगी तो हम नहीं मेजर कर पाएंगे तो द क्वालिटी मेजर नो ना इज डायरेक्ट लीडिंग इंस्ट्रूमेंट हम पहले भी कह रहे हैं ये तो हमने आपको प्रोसेस बताया कंस्ट्रक्शन बताया रेजोनेट सर्किट मेज यहाँ रखिए उसी पर बेस है पूरा ही हमारा चाहे वो कंस्ट्रक्शन के करना है या आपको प्रिंसिपल है वो रेजोनेंट पर ही है तो हमारा ये डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वीकेंड कोई अलग नहीं वीकेंड जैसे आप मल्टीमीटर में प्रोप में कनेक्ट करिए आप लीड लगाइए और मेजरमेंट करिए वैसे ये भी है इन द गिवन सर्किट मेजर वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वालिटी फैक्टर दिस विल be ड्यू टू द डिस्टर्बेंस कैपेसिटेंस ऑफ द कॉयल एंड सन रजिस्टेंस देखिए हर इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ इसके ड्रॉबैक रहता तो यहाँ पर ड्रॉबैक क्यों है क्योंकि हमने सन रजिस्टेंस भी लगाया है और कभी सन में लगाया तो उसकी वजह से वहाँ पर हमारे कुछ ना कुछ देखिए हंड्रेड परसेंट परफेक्शन किसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं है वी आर ट्राइंग हम कोशिश करते हैं कि पूरा परफेक्ट मिले तो कुछ ना कुछ जैसे आपके ए ब्रिज को हमने क्या किया था वहाँ स्टे कैपेसिटेंस था उसको रिमूव किया ऐसे क्वालिटी फैक्टर्स में जो हम मेजरमेंट करते हैं क्योंकि कैपेसिटेंस लगाया कैपिसिट कॉयल लगाया सन रजिस्टेंस लगाया तो वे आर द सम ड्रॉप्स तो वो रहता ही रहता है तो इस तरह से हम क्वालिटी फैक्टर को मेजर करते हैं दिज आर द डायरेक्ट मैथड अब इफेक्ट जो हमारी फैक्टर इफेक्ट द एक्सी ऑफ द क्वालिटी मीटर जब हम क्वालिटी मीटर से मेजरमेंट करें तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं हमारे किसको मेजर एट द टाइम ऑफ द मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ द क्वालिटी मीटर जब भी हम क्यू फैक्टर निकाल रहे हैं स्टोरेज फैक्टर निकाल रहे हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी निकाल रहे हैं उस समय हमारे कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे पहला है सन रजिस्टर ऑफ क्यू मीटर उसको बात केयर करनी पड़े देखिए जितना भी इसमें है उसका आपका कंपनसेशन भी होता है कंपनसेशन पॉइंट डिस्कस नहीं कर रहे वी कैन डिस्कस द कि जो जो फैक्टर डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूट कैपेसिटी ऑफ सेल कैपेसिटी ऑफ कॉल इसके पहले भी डिस्कस किया है एक पैरामीटर ये हो गया दिस इज़ वन दिस इज़ टू कंडक्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर जो हमने इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर लगाया उसका और रेजिडल इंडक्टेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अब रेजिडल इंडक्टेंस क्या होती है जब हम हमने रशियन सारे रेजिडल कोई वर्ड होता है जो उसमें रह जाता है दैट विल be सम जैसे आपने कोई अगर स्प्रिंग लिया वी हैव वी हैव अ जस्ट जस्ट दिस डॉट और अगर हम इसको रिमूव भी कर देते हैं तो कहीं ना कहीं शेप रह जाता है ऐसे जब इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं आपने पावर लगाया इनपुट लिया फिर आउटपुट लिया तो एग्जैक्ट वो उस पर नहीं आता इट विल टेक सम टाइम तो उसमें कुछ ना कुछ जो रेजिडल रह जाता है या जैसे आप स्प्रिंग को अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अगर आप स्प्रिंग को प्रेस करते हैं उसका छोड़ देते हैं तो अगर आप एक्जैक्ट मेजरमेंट करेंगे बिफोर प्रेसिंग और आफ्टर प्रेसिंग देर इज तो यही हमारा क्या होता है तो इस तरह से हम मेजरमेंट करते हैं जो भी हमारा है तो वो वहाँ पर थोड़ा सा रेजिडल का ये सारे हमारे पैरामीटर हैं जो इफेक्ट करते हैं एक्यूरेसी के जो हम मेजर अगर ये हम कंसीडरेशन नहीं करेंगे इसका कंपनसेशन पॉइंट नहीं यूज़ करेंगे इसको तो कम्पनसेट नहीं करेंगे तो हमारे क्वालिटी मीटर से जो रीडिंग आ रही है उसकी एक्यूरेसी हंड्रेड नहीं होती है जैसे कहा है कि हमने कंपोशिशन करते हैं तो सभी का होता है हम कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पे सारे तो नहीं कर पाएंगे बहुत से पैरामीटर्स होते हैं तो वी कैन यूज इन सन्ट रेजिस्टेंस करेक्शन जैसे आपसे कहा था कि कम्पसिशन करते हैं तो वी एडेड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर क्यू इजिकल टू मेगा ज़ीरो बाई आर बाई RSH. As we एज वी the द सर्किट एंड वी नोट दैट द resistance is इज वेरी लो भाई जो भी हम एक्स्ट्रा resistance लगा रहे हैं तो प्रोटेक्शन के लगा रहे हैं तो shunt resistance है वो भी हमारा एक्स्ट्रा resistance और प्रोटेक्शन तो उसकी वैल्यू हम बहुत हाई नहीं रखते हैं लेकिन वी कैन consider विद द हेल्प ऑफ that shunt resistance वी आर फेसिंग सम error. तो उसको हम करेक्ट करने के लिए जैसा भी कहा था compensate करने के लिए ये circuit हम डिस्कस कर रहे हैं तो इफ द वैल्यू ऑफ shunt resistance कम्फर्टेबल वेरी लो इफेक्टिव रेसिड विल इफेक्ट द रीडिंग तो हम यहाँ पे निकालते हैं क्या ये कर भी रहे हैं क्यू इज इकल टू मेगा जीरो एल बाई आर पहले से डिस्कस अब हमारी जो ट्रू वैल्यू है जो हमें चाहिए मेजरमेंट करनी है और जो ट्रू वैल्यू जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें क्या करते हैं वन ऑफ वन आर एस एस बाई आर इस तरह से एज वी नो द क्वालिटी मेजर्ड इज लेस देन क्यू ट्रू वैल्यू इफ क्वालिटी क्यू इज़ वेरी लो क्यू ट्रू माइनस क्यू मेजर इज हमें उसको जो हमारा है उसको हमें क्या करना है निगलैक्ट करना है क्या हम करेक्शन कर रहे हैं जो सन रेजिस्टेंस की वजह से आ, इसके पहले दिखा देते हैं सन रेजिस्टेंस ऑफ क्वालिटी मीटर जो हमारे इस एक्यूरेसी को इफेक्ट को कर रहा है क्वालिटी मीटर के एक्यूरेसी को इफेक्ट करता है मीटर उसको करेक्शन के लिए ही आगे डिस्कस कर रहे हैं तो क्या रहेगा क्यू मेजर इज लेस देन द क्यू ट्रू वैल्यू अगर ये हमारा कम होगा तो हमारा क्या हो जाएगा जो हाई कॉल्स को, एयर विल बी मोर अगर हमारा जितना भी आपका इस नेग्लेवर फॉर लो क्वाइल्स फॉर हाई क्वल्स एयर जब हमारा कोई वैल्यू लो वैल्यू मेजरमेंट करनी है तो वहाँ तो हम नेग्लेब कर सकते लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी हाई मेजरमेंट करना है वहाँ पे हमारे पास ये को रहती है कॉयल की एरर रहती है तो ये वी हैव द सम प्रोसीजर फॉर द जितने भी हमने फैक्टर्स बताए थे उसको अब है करेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस तो कॉयल विज अंदर टेस्ट बिटवीन द टर्मिनल टी वनटी टू बताया था हमने थर्मागम्बल्स लगाए हैं एंड आल्सो कैपेसिटेंस उसमें हमने कैपेसिटेंस भी लगाया था विल आल्सो द कॉइल तो वो उसकी वजह से भी हमारे जो उसमें एक्यूरेसी में फर्क आता है उसके लिए भी हम वही कर रहे हैं कि वी कैन कंसीडर ट्रू वैल्यू एक्सएल आर बाई आर एक्स ये हमारी कंडीशन ही है किसकी रेस्टोरेंट सर्क थ्रो तो क्यू मेजर हमारा जो है जो हम मेजर कर रहे हैं वैल्यू के एक्स इज इकल टू एक्स डी बाई आर ये किसके इस वक्त में कैपेसिटेंस के का इसके पहले जो किया था वो शंट रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में था तो हमारा क्या होता है क्यू टू जीरो क्यू मेजर इंटू वन अपन सी डी बाई सी ये हम कर किस ले हैं कि हमारा कंपनसेशन है जो हमने किया बहुत हम उसको बाद देखें अगर आप देखें एक मिनट जल्दी से कर देते हैं तो देखिए शन रजिस्टेंट कैपिस ऐसे कंडक्टेंस फोल्ड मीटर का भी होता है इंडक्शन ये सभी को हम रिड्यूस करते हैं या कंपनसेशन वर्ड कहते हैं जिससे कि हमारी क्वालिटी मीटर जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका हमारा आ, जो एक्यूरेसी है वो हम मेंटेन कर सकें तो अब हम करते हैं एप्लीकेशन पार्ट है तो क्वालिटी फैक्टर तो हम पूरा डिस्कस करके आ रहे हैं इट कैन मेजर विद द इफेक्टिव रजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस आल्सो मेजर द बैंड विथ एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्यूमीटर द कैरेक्टर्स कैन बी मेजर ये इंपॉर्टेंट है लास्ट टू वाले द कैरेक्टरस्टिक्स कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी मीटर इज सर मेजरमेंट ऑफ द बैंड विथ ये हमने कभी सर अभी जो उसके पहले डिस्कस किया है वहाँ पे हमने डिस्कस किया है वी कैन मेजर द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द कोयल या स्टोरेज फैक्टर ऑफ द कोयल वी कैन डिस्कस रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस एंड आल्सो इन लास्ट में डिस्कस किया था हमने फ्रिक्वेंसी विद दैट दट हमने यहाँ पे आगे हम कैरेक्टरस्टि भी मेजर कर सकते हैं किससे किसकी कैरेक्टरसिक्स आर एल सी क्योंकि नाम भी इसका क्या है आर एल सी रेजिटेंस इंडक्टिव कैपेसिटोमीटर भी इसे कहते हैं इसलिए हम यहाँ पे उसकी कैरेक्टरसी भी मेजर कर सकते हैं और हम विद द हेल्प ऑफ द दिस क्यूमीटर डायरेक्टली वी कैन मेजर द बैंडविट्स ऑफ द सिस्टम तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये डायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है जैसे मल्टीमीटर हमारा काम करता है अच्छी तरह से ये भी काम करता है तो वी वी हैव टुडे वी हैव डिस्कस टू पॉइंट्स वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अर्थिंग डिवाइस जो हमने वैगनर का uh, सर्किट लिया हुआ है वैगनर अर्थिंग डिवाइस को लेके हमने उसको रिमूव किया है दूसरा है कि हमारा क्वालिटी मीटर हम कैसे विद द हेल्प क्वालिटी मीटर क्या होता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है उसके फंक्शंस क्या होते हैं कैसे काम करता है कैसे मेजरमेंट करते हैं आपका इंडक्टेंस कैपेसिटेंस का कैसे उसके एरर्स को रिव्यू करते हैं एक्यूरेसी को कोटेन करने के लिए और उसके मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या हैं या एप्लीकेशन क्या हैं वी हैव डिस्कस इन टूडेज लेक्चर थैंक्स टू ऑल